Never ever argue with your trading system. What it means? It will never get you anywhere. And let's face it, it's probably not the system's fault. If it's really doing you no good, better change it. Good morning, friends. Currency Daily Analysis पे आप सभी का स्वागत है. कल शाम का जो important event USCPI वो already आ चुका है and करेंसी मार्केट्स में काफी चेंजेस उसके बाद हमने देखे. डॉलर इंडेक्स अभी है 104.01 जस्ट बिफोर द यूएससीपीआई. ये काफी ऊपर में था लेकिन जैसे ही सीपीआई प्रिंट आया डॉलर वीक हो गया अगेंस्ट द बास्केट ऑफ मेजर करेंसीज. दैट बीइंग द केस यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो इज कंटिन्यूइंग. एक ही कंसर्न है जो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि वीकली एट 40 आरएसआई एट 40 एंड मंथली आरएसआई एट 57. सो ऐसा ना हो यहीं से ये घूम जाए उसके लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम में मेटिकुलसली ऑब्जर्व करना है कहीं ये लोअर हाई लोअर लो से हायर हाई हायर लो तो नहीं बना रहा. सो हमें थोड़ा सा इंतजार रहेगा रिगार्डिंग दैट. अभी है डॉलर रुपी. डॉलर रुपी जस्ट बिफोर यूएससीपीआई इट वाज एट 82.80 जहां से आपका नीचे आना चालू हुआ आफ्टर द प्रिंट. And now it is at 82.3750. So that being the case, हम जो यहाँ पे देखना चाहते थे कि क्या ये all time high के उस पार जा रहा है, there is a system that is called PRD positive reverse divergence जिसके basis पे on weekly time frame there are higher probabilities कि ये 83.90 से 84 तक जाए. लेकिन कल का डाटा के बाद ये थोड़ा सा मूड या सेंटीमेंट जो है थोड़ा सा चेंज हो चुका है. इवन देन द कॉन्फर्मेशन इज नॉट देयर कि इट इज गोइंग टू निगेट. सो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि प्राइस को और थोड़ा हमें ऑब्जर्व करना है क्या ये 84 की तरफ जा रहा है या नहीं. जीबीपी डॉलर में पोस्ट डेटा अच्छा खासा उछाल आया फ्रॉम 1.2250 इट जूम्ड अप टू 1.2444 एंड फाइनली क्लोज्ड एट 1.2364 अभी वहीं पे है. कल के अगेन बैक टू बैक लाइंड अप तीन मेजर इवेंट्स है बीओई ईसीबी एंड फेड रेट डिसीशंस. सो थोड़ा सा इंतजार हमें करना है. जीबीपी आईएनआर में 101.73 यहां पर भी अच्छा खासा डेली बेसिस पे अच्छा खासा उछाल देखा गया. आपका डेली में एंड वीकली में अच्छा खासा पॉजिटिविटी है अच्छा खासा स्ट्रेंथ है बट मंथली टाइम फ्रेम में इट इज अप्रोचिंग 60. सो बिगर टाइम फ्रेम में हमें थोड़ा सा केयरफुल होना है बट वीकली एंड डेली में अभी भी बाय डिप्स जारी है. यूरो यूएसडी 1.0635 है. कल यहां पर भी अच्छा खासा उछाल देखा गया. यहां पर भी आपका डेली एंड वीकली टाइम्स में वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रेंथ बरकरार है बट मंथली में इट्स एट 44.6 दैट बीइंग द केस साइडवेज ऑन मंथली. सो द बिगर टाइम फ्रेम में ज्यादा कुछ वॉलेटिलिटी हम नहीं देख रहे हैं बट मीडियम एंड डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रेंथ बरकरार है. सो बाय डिप्स वी मे कंटिन्यू हियर. यूरो आईएनआर जो है वो है आपका डेली एंड वीकली में सुपर बुलिश बट मंथली पे एट 60 रेजिस्टेंस. सो बिगर टाइम फ्रेम में हमें थोड़ा सा केयरफुल होना है एंड मीडियम एंड डेली टाइम फ्रेम पे बाय डिप्स मे बी कंटिन्यूड हियर.
डॉलर येन 135.47 ये ट्रेंड लाइन क्रॉस कर नहीं पाया। कल सीपीआई डेटा के बाद, सीपीआई डेटा से पहले बेसिकली इट वाज अबाउट टू ब्रेक अबोव द ट्रेंड लाइन, जो हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हमें फिर भी ड्यू डिलीजेंस करना है। क्यों? मंथली अबोव 60 से अप्रोचिंग 60, वीकली अभी 40 से टर्न लेके ऊपर की तरफ थोड़ा सा कंसोलिडेट करने का कोशिश कर रहा है। तो मीडियम एंड लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। एंड डेली टाइम फ्रेम में हमें, डेली एज वेल एज आवरली टाइम फ्रेम में हमें देखना है कि क्या ये हायर हाई हायर लो तो फॉर्म नहीं कर रहा है। हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। येन आईएनआर में भी आपका बोथ डेली एंड वीकली में स्ट्रेंथ है, बट मंथली द बिगर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा साइडवेज है, 40-60 के बीच में ही है। डॉलर कैंडी आपका जो हमें इंतजार है कि डेली बेसिस पे ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे, जो अभी तक हुआ नहीं है। कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया फ्रॉम 1.3650 लेवल से आपका 1.3530 तक, अभी है 1.3565। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे सेलिंग के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। रीजन बीइंग मंथली एट रेजिस्टेंस एट 60, वीकली रेजिस्टेंस एट 60, सो देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि डॉलर कैंडी में हम एक सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस दो तीन वीडियोस में ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं। अभी है ऑसी डॉलर, ऑसी डॉलर डेली होवरिंग अराउंड 60, कभी ऊपर कभी नीचे, वीकली एंड मंथली साइडवेज में है। तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा कोई मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ऑन लॉन्गर टाइम फ्रेम एंड द मीडियम टाइम फ्रेम। डेली में थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद अपर आया है, फिर भी क्लैरिटी इज मिसिंग, सो यहाँ पे वेट एंड वॉच। डॉलर सीएनएच 6.9670, जो हमारा ये लाइन था 7.0102, वहां पे टच एंड गो करके फिर नीचे आ रहा है। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चल रहा है, सो हमें ये कंसोलिडेशन को ऑब्जर्व करना है। तब तक एक बड़ा पोजीशन नहीं बनाना है जब तक ये कंसोलिडेशन के बाहर ना आ जाए। यूके ऑयल 80.26, यहाँ पर भी फ्रॉम द बॉटम आपका 75.4050 से अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम आया है। अभी ये आपका 81 से 83 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन है, सो यहाँ पे हमें सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहिए। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी 3.49, परसों आपका ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया था, कल उसका फॉलो थ्रू नहीं मिला एंड नीचे आ चुका है आफ्टर द यूएस सीपीआई। फिर भी हमें अलर्ट रहना है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये आरएसआई डेली, देयर मे बी ए ग्रेट चांस कि यहाँ पे सपोर्ट लेके, डेली में ये सपोर्ट लेके फिर वापस बाउंस कर दे ऊपर की तरफ, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। सो ये हमें थोड़ा सा केयरफुल होना है। यूएस टू ईयर में भी एक अच्छा खासा बाउंस बैक का हम आरएसए टर्म्स में देख रहे हैं। क्या है ये? मंथली अबोव 60 एट 82, वीकली अप्रोचिंग 60 फ्रॉम अबोव, फ्रॉम 82 83 लेवल से ये 60 के तरफ मार्च कर रहा है, करेंटली एट 61, व्हेयर एज आपका डेली जो है इट्स होवरिंग अराउंड आपका 40, देन देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि यहां से एक ऊपर की तरफ रिवर्सल का पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज है का मतलब क्या है? हमें यहाँ पे कॉन्फर्मेशन चाहिए कि क्या सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि ये रिवर्सल हो जाएगा, प्राइस मस्ट
कंफर्म इंडिकेटर्स अगर यूज करते हो तो इंडिकेटर्स मस्ट कंफर्म। ये आरएसआई इंडिकेटर, यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनाया है आरएसआई के ऊपर, इसको अगर यहाँ से रिवर्स करना है तो फर्स्ट कंडीशन ये है, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देना चाहिए, देन एंड ओनली देन वी कैन थिंक अबाउट सम अपवर्ड मोमेंटम इन यूएस 10 ईयर ट्रेजरी, सॉरी यूएस 2 ईयर ट्रेजरी। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल्सो कॉमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।